आप देख रहे हैं निशाद ज्योति न्यूज की ताजा खबर। आज हम लेकर के हाजिर हैं आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट, जो कि हम आपको बताएंगे निशाद पार्टी के बारे में। निशाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कि महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे और वो निशाद पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे, ये जो है कि समाजवादी पार्टी ने तय कर दिया है कि महाराजगंज से चुनाव समाजवादी जो है कि निषाद पार्टी को अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए एक सीट छोड़ रही है और एक सीट गोरखपुर की, जहां से जो है कि वर्तमान सांसद प्रवीण कुमार निषाद समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो है कि बहुजन समाज पार्टी से भी एक दो सीटें देने की बात चल रही है, जिस पर टिकट होगा बहुजन समाज पार्टी का लेकिन प्रत्याशी होगा निषाद पार्टी का कार्यकर्ता। तो हालांकि देखते हैं अब क्या होता है, जैसा भी होगा जो भी होगा वह हम समाचार आप तक पहुंचाते रहेंगे। हालांकि निषाद पार्टी ने अपना एक दबदबा बना दिया है, अब इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर चुकी है, क्योंकि निषाद बहुजन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जो निषाद वर्ग का वोटर था, निषाद समुदाय मतलब मछुआ समुदाय की जितने भी उपजातियाँ थीं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करती थी, लेकिन निषाद पार्टी के आ जाने से सारे वोट गोलबंद होकर के निषाद पार्टी की तरफ चले गए हैं और निषाद पार्टी जिस तरफ जाएगी उसी तरफ निषाद वर्ग का मछुआ समुदाय का सारा वोट जाएगा। तो इस तरह से यदि भारतीय जनता पार्टी को ये डर महसूस हो रहा है तो उनके लिए एक ऑप्शन है कि वो अनुसूचित जाति में मछुआ समुदाय मतलब निषाद जाति को मतलब 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दे, यह उनके लिए रामबाण का काम कर सकता है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद, हालांकि जहां तक विश्व सूत्रों से पता चला है कि वो महाराजगंज लोकसभा सीट से निषाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और सपा के ही मतलब उनके ही बेटे प्रवीण निषाद जो कि सपा के टिकट पर गोरखपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो दो सीटें बिल्कुल तय हैं। बहुजन समाज पार्टी से बातचीत चल रही है, बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटें जो है कि निषाद पार्टी के लिए छोड़ेगी ये अभी भविष्य के गर्त में है, बातचीत जारी है। जैसे भी रिपोर्ट हमारे पास आएगी वैसे ही रिपोर्ट हम आप लोगों तक पहुँचाएँगे। बातचीत जारी है, बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर निषाद पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। अब जहाँ तक बात है दो सीटों पर बात चल रही है, देखते हैं कितनी सीटों पर बात फाइनल होती है, लेकिन इतना तो तय हो चुका है कि महाराजगंज सीट पर जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय कुमार निषाद चुनाव लड़ेंगे निषाद पार्टी के सिंबल पर। गठबंधन के तौर पर समाजवादी बहुजन समाज पार्टी का समर्थन वहां पर रहेगा, लेकिन गोरखपुर में निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी, वह चुनाव लड़ेगी जो है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, उसके प्रत्याशी होंगे ये 100% तय हो चुका है वर्तमान सांसद प्रवीण कुमार निषाद जी। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, राजनीति आप ही देखते रहिए।